मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, मुझे लगता है इतने में झंडा आ ही जाएगा। हाँ बेटा, क्या चाहिए? अंकल मुझे बड़े वाला झंडा चाहिए। बड़े वाला? चलो निकालो, 500 रुपए अभी देता हूँ। 500 रुपए? अंकल मेरे पास तो सिर्फ यही 15 रुपए हैं। 15 रुपए? जहाँ की मजाक चल रहा है, 500 वाला झंडा तुझे 15 रुपए में दे दूँ? चल निकल यहाँ से। उस्मान है? इधर क्यों बैठा है गर्मी में मुंह लटका के? चल घर चल। अब्बूजान सुबह 14 अगस्त है, मुझे नहीं पता, मुझे झंडा चाहिए, मैंने घर पे लगाना है। झंडा लगाएगा? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तुझे पता तो है हालात का, घर में रोटी मुश्किल से पूरी होती है, तुझे झंडा कहाँ से लेकर दूँ? अब्बूजान मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस झंडा चाहिए। बकवास बंद कर और घर चल, बड़ा आया झंडा लेकर दे, चल। आ गया उस्मान आवारागर्दी करके? जी अब्बूजान मैं आ गया हूँ। और ये हाथ में क्या है तेरे, दिखा, क्या उठाई फिर रहा है? अब्बूजान ये तो झंडियां है। झंडियां? ये झंडियां तू कहाँ से लाया है? यकीनन तूने घर की कोई चीज बेची होगी, सच सच बता क्या बेचा है? नहीं अब्बूजान मैंने तो कुछ भी नहीं बेचा। कुछ नहीं बेचा तो ये झंडियों के पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तुझे किसी ने मुफ्त में दे दी, बेवकूफ बना रहा है बाप को। बना अब्बूजान मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा, ये तो मैं बाहर से चुन के लाया हूँ, लोग इन्हें 14 अगस्त पे लगा तो लेते हैं लेकिन बाद में जरा ख्याल नहीं करते, ये सब तो नीचे गिरी पड़ी थी, मैं इन्हें उठा के ले आया। अरे मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि ये सब बातें सोचने लग गया है, बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, मुझे फखर है अपने बेटे पर। जैसे हम काफी सारी झंडियां ढूंढ के लाए थे, क्यों ना दोबारा चलें? हाँ चलो। ये तुम लोग मिट्टी में हाथ क्यों मार रहे हो? चलो यहाँ से, बताओ तुम्हारे घर वालों को। नहीं नहीं अंकल, हम मिट्टी में हाथ नहीं मार रहे, हम तो गिरी हुई सारी झंडियाँ उठा रहे हैं। झंडियाँ उठा रहे हो? लेकिन तुम लोग क्यों उठा रहे हो यहाँ से? अंकल हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा, 14 अगस्त के बाद तो इनका कोई ध्यान ही नहीं करता, हम तो इसलिए उठा रहे हैं ताकि ये किसी के पाँव के नीचे ना आए। अरे दिखने में ये छोटे छोटे बच्चे हैं और बात कितनी बड़ी कर दी इन्होंने, और मैं इनको फजूल में डांट रहा था, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। बेटा तुम लोग तो फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम ऐसे करो ये झंडियां चुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, मैं अभी आया। शाबाश बेटा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये सारी झंडियां इकट्ठी कर ली। अरे अंकल ये तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल बच्चों, 14 अगस्त पे मैं कुछ सामान लाया था अपने लिए लेकिन मसरूफियत की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सका, तो ये तुम लोग रख लो। बहुत शुक्रिया अंकल। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों का अदा करना चाहिए, कितना अच्छा काम किया तुम दोनों ने और कितनी अच्छी सोच रखते हो, काश बाकियों की सोच भी ऐसी हो जाए।
इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।